एक बहुत ही गंभीर और एक विचारात्मक समीक्षात्मक आधुनिक से लेकर के अध्यात्म तक और प्राचीन काल से लेकर के अद्यतन तक जो आपने हर प्रकार की शिक्षाओं का विश्लेषण यहाँ प्रस्तुत किया और अंत में जा करके आपने जो सर्वांगीण शिक्षा का के महत्व पर आपने जोर दिया, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं अधिक समय न लेते हुए, क्योंकि वक्ता हमारे पास हैं, मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के बुद्धिस्ट विभाग के बौद्ध दर्शन विभाग के हेड प्रोफेसर बिमलेंद्र कुमार जी को निमंत्रित करता हूँ कि वो आएं और अपने विचार प्रस्तुत करें। अनंत करुणापयम तथागतम अनुत्तरम वंदामि सिरसा बुद्धम धम्मम साधुगणम पीचा। परम श्रद्धेय प्रोफेसर नवा संतन जी, परम श्रद्धेय प्रोफेसर राजाराम शुक्ल जी, सभा में उपस्थित सारे भिक्षु वृंद, आचार्यगण, अधिकारी, हमारे छात्र और छात्राएं, आज परम पावन दलाई लामा जी के 84वें जन्मदिन के अवसर पर अपने आप को सम्मिलित कर गौरवान्वित और बहुत ही खुशी का अनुभव कर रहा हूँ। साथ ही मैं आयोजकों के प्रति और प्रोफेसर नवांग समतन जी के प्रति भी मैं आभारी हूँ, जिन्होंने इस होलिस्टिक एजुकेशन जैसे विषय पर आज दलाई लामा जी के जन्मदिन के अवसर पर वन डे सिंपोजियम का आयोजन किया है। होलिस्टिक एजुकेशन या सर्वांगीण शिक्षा या समग्र शिक्षा को समझने के लिए हम दलाई लामा के कार्यकलापों को यदि आकलन करें तो जब से वो भारत में आए हैं तब से उनके पास चार प्रतिबद्धताएं जो कमिटमेंट्स के रूप में उनके पास रही है उनको पूर्ण करने में अपना सारा जीवन लगा दिया। सबसे पहले जैसे प्रोफेसर पेमा तेंजिन जी ने कहा, प्रमोशन ऑफ द ह्यूमन वैल्यूज, मानवीय गुणों का विकास करना। दूसरा, प्रमोशन ऑफ द रिलीजियस हार्मोनी, धार्मिक सौहार्द के लिए उन्होंने जो आज तक जब से भारत वो आए हैं इसके प्रयास में लगे रहे हुए हैं। तीसरा जो उनका रहा है, प्रिजर्वेशन ऑफ तिब्बत रिलीजन आइडेंटिटी कल्चर, जो तिब्बत की प्राचीन विरासत में जो हमारे संस्कृति छिपी हुई है उसके संरक्षण के लिए वो लगे हुए हैं। इन तीनों बिंदुओं पर हम विशेष नहीं कहने जा रहे हैं। जो चौथा उनका कमिटमेंट और प्रतिबद्धता जो दलाई लामा जी का रहा है वो रहा है प्रमोशन ऑफ द सेकुलर एथिक्स, धर्मनिरपेक्ष नैतिकता, और इसी को आगे वो डेवलप कर ये होलिस्टिक एजुकेशन का या सर्वांगीण शिक्षण व्यवस्था के बारे में बात करते हैं। सेकुलर एथिक्स के प्रमोशन के लिए या उसके विकास के लिए वो भारतीय ज्ञान परंपरा को जो भारत में विरासत से मिली हुई है उसका बार बार इस्तेमाल करते हैं, बार बार उसके संरक्षण की बात करते हैं और बार बार हमारे ज्ञान परंपरा को जीवित करने की बात करते हैं। यहाँ सेकुलर एथिक्स या धर्मनिरपेक्ष नैतिकता का अर्थ दलाई लामा जी कहते हैं कि यह एक तरह से सभी धर्मों के बारे में सोचना नहीं है लेकिन सभी धर्मों का सम्मान करने के है, रेस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन्स।
और उसका वो भगवान बुद्ध के समय से ही यदि हम महापरिनिर्वाण सूत्र में देखें तो कैसे सात अपरिहार्णीय धर्मों का वो जिक्र करते हैं, जिसमें सभी धर्मों के बारे में सौहार्द की बात करते हैं वो। साथ ही वो सभी चैत्यों, मंदिरों आदि के संरक्षण की बात करते हैं, और यह भी कहते हैं कि जो जिस राज्य में आता है उसका सम्मान किया जाए, और जो इस राज्य में आता है वो शांति से जीवन व्यतीत करे। इसके बारे में वो बार बार भगवान बुद्ध भी कहते हैं कि जो इस सात अपरिहार्णीय धर्मों का पालन करता है वही राष्ट्र शांति से रहता है और शांति से अपने समाज को एक तरह से शांति व्यवस्थित करता है। और यहीं से हमारा जो सेकुलर एथिक्स मतलब शुरू हो रहा है, और धर्मनिरपेक्ष नैतिकता की जो हमारी दलाई लामा बार बार बात करते हैं, और इसका मूल जड़ वो कहते हैं कि जो सेकुलर एथिक्स नैतिकता या धर्मनिरपेक्ष नैतिकता जो है, यह एक तरह से साइंटिफिक फाइंडिंग्स, कॉमन सेंस और कॉमन बिहेवियर, ये तीन चीज पर आधारित है। और इसी सेकुलर एथिक्स के ऊपर वो एक तरह से भारतीय ज्ञान परंपरा को खोजते हैं, जो एंशिएंट विजडम की बात बार बार वो कहते हैं कि भारत के अंदर जो विरासत से हमारी ज्ञान परंपरा रही है उसको कैसे पुनर्जागरण के रूप में लाया जाए। और ये भी कहते हैं कि भारतीय ज्ञान परंपरा को यदि हम पुनर्जागरण के रूप में लावें, इसका ये अर्थ ये नहीं है कि हम एक धार्मिक अनुवाद के रूप में इसको हम ला रहे हैं, ये एक धार्मिक सौहार्द के रूप में इसको व्यवस्थापक करने के रूप में लाते हैं वो। और वो कहते हैं कि ये समग्र शिक्षा, ये जो होलिस्टिक एजुकेशन है, यह हमारा सेकुलर एथिक्स के ऊपर ही आधारित है। और धर्मनिरपेक्ष जो नैतिकता की जो बात करते हैं वो यहीं से एक तरह से शुरू हो रहा है। बाद के आचार्यों ने भी जो बोधिचर्यावतार में आचार्य शांति देव के बारे में हम जब देखते हैं तो उन्होंने भी वही करुणा और मैत्री जैसे बातों को लेकर और बोधिचित्त के लेकर कैसे वहाँ पर नैतिकता की बात करते हैं। धर्मनिरपेक्ष नैतिकता की जो बात बोधिचर्यावतार में आचार्य शांति देव के द्वारा कही गई है वह एक तरह से मॉडल पीस, एक तरह से मॉडल के रूप में काम कर रहा है। और वो भी आचार्य जो हमारे नालंदा परंपरा, बार बार वो कहते हैं कि हमारा बौद्ध धर्म जो तिब्बत में बौद्ध धर्म है वह एक तरह से नालंदा परंपरा पर आधारित है, और नालंदा परंपरा पर भी आधारित होकर यह ज्ञान परंपरा तिब्बत में गई है, जो एक तरह से हजार वर्षों से वहाँ पर हमारे पास सुरक्षित रखी हुई है। जरूरत है उस सुरक्षित जो ज्ञान परंपरा तिब्बत में छिपी हुई है शास्त्रों के अंदर, उसको कैसे विकसित किया जाए, कैसे उसका विकास किया जाए। इसी सेकुलर एथिक्स के ऊपर में समग्र शिक्षा का जो हमारा दलाई लामा जी का जो कंसेप्ट है उसके बारे में दो मिनट हम कहना चाहेंगे कि समग्र शिक्षा जो दलाई लामा जिस रूप में देखना चाहते हैं कि यह एक तरह से समुदाय के समग्र शिक्षा उस दार्शनिक व्यवस्था पर आधारित है जो एक तरह से समुदाय कम्युनिटी से संबंध रखता हो, साथ ही जो प्राकृतिक वातावरण से संबंध रखता हो, साथ ही करुणा मैत्री आदि मानवीय गुणों के साथ अपने समाज में एक पहचान और एक अर्थ के रूप में जो स्थापित करता है वह समग्र शिक्षा या होलिस्टिक एजुकेशन के रूप में वो रखते हैं। और इसी रूप में वो विकसित करना चाहते हैं कि समग्र शिक्षा आखिर है क्या, और समग्र शिक्षा को होलिस्टिक एजुकेशन को वह एक तरह से अपना आंतरिक विकास या जो इंटरनल एक तरह से डेवलपमेंट किस प्रकार से हम कर सकते हैं, मन और चित्त की विशुद्धि किस प्रकार से कर सकते हैं, इसके बारे में बार बार वो मतलब जो है प्रयास करते हैं। और इस आंतरिक शुद्धि विशुद्धि के लिए वह एक तरह से बोधिचित्त और करुणा के बारे में एक तरह से बार बार जोर देते हैं, और इसी का आचार्य शांति देव ने बोधिचर्यावतार या अन्य आचार्यों ने इस पर ज़्यादा इम्फेसिस दिया है कि किस प्रकार से करुणा और बोधिचित्त का हम एक तरह से संयोग करने पर किस प्रकार से धर्मनिरपेक्ष नैतिकता की बात हम बढ़ा सकते हैं।
और इसी होलिस्टिक एजुकेशन को लेकर वो आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि जब तक हमारा कम्युनिटी के साथ एक तरह से समुदाय के साथ जब तक हमारा संबंध नहीं हो सकता है और मानवीय मूल्यों को हम जब तक विकसित नहीं कर सकते हैं तब तक हम समग्र शिक्षा की बात हम विकसित करने की बात नहीं सोच सकते हैं। और इसके लिए इन्होंने उसी प्रयास के अंतर्गत अभी आपने सुना होगा कि पिछले साल हैप्पी गुरुकुलम दिल्ली के सारे विद्यालयों में लागू किया गया और इसका मॉडल एक यही था कि किस प्रकार से छात्र जो पहली क्लास से लेकर किंडरगार्टन से लेकर आठवीं क्लास तक किस प्रकार से अपने आप को साधना के द्वारा आंतरिक शुद्धि के द्वारा किस प्रकार से विकसित कर सकते हैं वह एक तरह से वहाँ पर डेवलप कर रहा है या विकसित कर रहा है। तो अभी मनीष सिसोदिया जो कि हमारे उप मुख्यमंत्री हैं दिल्ली राज्य के, उन्होंने हैप्पी करिकुलम जिसका उद्घाटन हमारे दलाई लामा जी के द्वारा किया गया, अभी जो एक नया हमारे परम पावन दलाई लामा जी के साथ जो एक प्रयास किया गया वह एक प्रयास है सी लर्निंग। यदि आप उसको देखेंगे कि इसी 5 अप्रैल को ये एक तरह से लॉन्च किया गया है, सोशल इमोशनल इथिकल लर्निंग, सामाजिक भावनात्मक एवं नैतिकता शिक्षण, एक नया कंसेप्ट शुरू हुआ है। इसके अंतर्गत दलाई लामा जी की जो सोच है उसके बारे में 2 मिनट हम आपसे कहना चाहेंगे कि इसके जो सी लर्निंग, सोशल इमोशनल इथिकल एंड लर्निंग, ये जो हमारा शिक्षण है इसमें 3 डायमेंशंस है। सबसे पहला है अवेयरनेस, दूसरा है कंपैशन और तीसरा है इंगेजमेंट। इन तीनों पर हम थोड़ा सा आपके बारे में कहना चाहेंगे। सबसे पहला जो अवेयरनेस दिया गया है, अवेयरनेस के बारे में कहा गया है कि किस प्रकार से हमारा, इसको हम यदि अपने बौद्ध साहित्य के ऊपर देखना चाहेंगे तो अवेयरनेस यहाँ पर स्मृति प्रस्थान सतिपट्ठान के रूप में हम इसको ले सकते हैं। और भगवान बुद्ध भी कहते हैं कि ये सती जो है एक तरह से जस्ट लाइक ए डोर कीपर, एक द्वारपाल की तरह है कि जिस प्रकार से एक द्वारपाल अपने अकुशल धर्मों को मानस धरातल पर उत्पन्न नहीं होने देता है उसी प्रकार से स्मृति भी अकुशल धर्मों को उत्पन्न नहीं होने देती है। तो ये अवेयरनेस जो पहला एक तरह से डायमेंशन सी लर्निंग का है, सोशल इमोशनल इथिकल लर्निंग का, वो अवेयरनेस है कि हम किस प्रकार से समाज में अपने आप को हमेशा अलर्ट या सावधान रखें। और उसमें भगवान बुद्ध भी कहते हैं कि एकायनो एवं मग्गो सत्तानम विशुद्धिया चत्तारो सतिपट्ठाना कायानुपस्सना वेदनानुपस्सना चित्तानुपस्सना धम्मानुपस्सना। और इसी परिप्रेक्ष्य में अवेयरनेस को यहाँ पर रखा गया है जो सी लर्निंग का जो पहला जो डायमेंशंस है। और इसके बाद दूसरा रखा गया है करुणा। करुणा के बारे में सभी लोग जानते हैं कि करुणा जो पाली में कही गई है कि कम इति रुणाति, कम इति दुःखम रुणाति इति तम पविष्यति विनाशाय बायमति च, दूसरे के दुख को देखकर केवल दुखी नहीं होना या अपने अंदर कंपन नहीं होना, लेकिन सबसे बड़ी बात कि उस व्यक्ति के दुख को किस प्रकार से दूर करने के लिए हम प्रयास करें, यह करुणा वहाँ पर कही गई है। तो यहाँ पर करुणा जो रखी गई है सी लर्निंग के तहत, उसमें विद्यार्थियों के लिए किस प्रकार से क्रिटिकल थिंकिंग के रूप में, ये केवल हम नहीं कहते हैं छात्रों को कि केवल तुम करुणा उत्पन्न करो, यहाँ पर किस प्रकार से अपने क्रिटिकल थिंकिंग के द्वारा, अपने आंतरिक अनुभव के द्वारा किस प्रकार से हम अपने क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावें, इसके लिए वहाँ पर कंपैशन रखा गया है। और तीसरा जो रखा गया है वह है इंगेजमेंट, जिसको हम लोग सक्रियता कहते हैं। यहाँ पर अवेयरनेस और दूसरा जो कंपैशन, इन दोनों को मिलाकर जो इंगेजमेंट की बात आ रही है, इंगेजमेंट के बारे में भी हम थोड़ा सा कहना चाहेंगे कि किस प्रकार से बौद्ध धर्म में सक्रियता जो कंसेप्ट आ रहा है। कुछ वर्ष पहले थिक नाथ हान सोशली इंगेज्ड बुद्धिज्म,
कि किस प्रकार से हम बौद्ध सिद्धांतों को अपने जीवन में सक्रिय रूप में ला सकते हैं, अपने प्रयोग में उसको अनुभव कर सकते हैं. When the teachings of the Buddha are applied in our day-to-day life, this is called as engaged Buddhism. इसी engaged को यहाँ पर भी एक तरह से दलाई लामा जी का जो तीसरा dimension सी learning का है वो रखा गया है, कि जो awareness और compassion उसको आप किस प्रकार से समाज में अपने अनुभव के आधार पर सक्रिय रूप में उसको भाग लेते हैं. और इन तीनों को awareness, compassion और engagement, ये तीन जो हमारे डायमेंशन से सी लर्निंग के, इसको इन्होंने तीन भाग में फिर एक तरह से डोमेन के अंतर्गत रखा गया है, जिसमें सोशल, पर्सनल एंड सिस्टम्स तीन प्रकार का यह रखा गया है. सोशल का अर्थ यहाँ पर समाज से है, यानी समुदाय से, किस प्रकार से हम समुदाय के अंतर्गत इन तीनों जो अवेयरनेस, कंपैशन और इंगेजमेंट को रख सकते हैं. दूसरा कि यहाँ पर जो रखा गया है एक तरह से पर्सनल, आंतरिक, यहाँ पर अनुभव के आधार पर हम किस प्रकार से अपनी शुद्धि कर सकते हैं, आंतरिक डेवलपमेंट, विकास कर सकते हैं, यह यहाँ पर कहा गया है. और तीसरा सिस्टम्स, पद्धति या सिस्टमेटिक एक तरह से फॉलो करना, ये एक तरह से दिया गया है. और हमारे परम पावन दलाई लामा जी इसी तीन डायमेंशंस को, जो हमारा अवेयरनेस, कंपैशन और इंगेजमेंट, इसको सोशल, पर्सनल और सिस्टम्स तीनों को नौ प्रकार के भागों में एक तरह से विभाजन किया है, और इसी को एक तरह से होलिस्टिक एजुकेशन के रूप में वो डेवलप कर रहे हैं, कि छात्रों में यदि ये सी लर्निंग या सोशल, इमोशनल, इथिकल लर्निंग को यदि इम्प्लीमेंट किया जाए, तो ये जरूरी नहीं है कि इसका फल हमारे पास तुरंत आवे, लेकिन एक भविष्य में एक ऐसा समय आएगा जो एक हमारे पास बच्चे इस प्रकार से तैयार होंगे, जिनके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग, कंपैशन और समाज में आंतरिक या समुदाय के साथ रहने की जो उनकी जो एक तरह से इच्छा है प्रबल, वह एक तरह से डेवलप होगा. इसी के साथ ये होलिस्टिक एजुकेशन दलाई लामा जी इसको डेवलप कर रहे हैं. और भी बहुत सारे वक्ता इस पर बोलना चाहेंगे, लेकिन जो होलिस्टिक एजुकेशन जो दलाई लामा जी का है, यह डेवलप करने की ज़रूरत है. बहुत सारे विश्वविद्यालयों में केवल मेडिटेशन को एक कोर्स करिकुलम में रखा जा रहा है, लेकिन ये सी लर्निंग को जब हम अपने विद्यालयों में जब लागू करेंगे, तब दलाई लामा जी के होलिस्टिक एजुकेशन के मुख्य उद्देश्य को हम पहचान पाएंगे, जान पाएंगे. इतना ही कहने के साथ मैं दलाई लामा जी के दीर्घायु, स्वस्थ रहने की के लिए उनको बधाई देता हूँ, उनके अच्छे जीवन की कामना करता हूँ, और इसी तरह से छात्रों के विकास के लिए वो होलिस्टिक एजुकेशन में नए नए अपने विचार, थॉट्स को लाकर यहाँ पर रखें. इसी के साथ मैं विराम देता हूँ. धन्यवाद. धन्यवाद प्रोफेसर विमलेंद्र कुमार जी. आपने बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से दलाई लामा जी के होलिस्टिक एजुकेशन के जो अप्रोच हैं उस पर विस्तार से आपने एक बहुत ही गंभीरतापूर्वक एक विद्वत्तापूर्ण व्याख्यान यहाँ प्रस्तुत किया, और हम लोगों को बहुत काफ़ी सूचनाएं दी. मैं समझता हूँ कि बहुत ही लाभदायक रहा होगा जिस प्रकार से परम्परावन दलाई लामा जी की शिक्षा जो आज वेस्ट में यूनिवर्सिटियों में जो मॉरल एथिक्स हैं उसके बारे में पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं, और केवल IQ ही नहीं बल्कि EQ पर जो है ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है. हमने तो सुना कि अब SQ पर आ गए हैं, स्पिरिचुअल जो क्वेश्चंस उस पर आ गए हैं, तो वो बहुत ही ज़रूरी है. जो भारतीय परंपरा रही है उसमें से जो बौद्ध परंपरा रही है शिक्षण की, उसमें श्रवण, चिंतन, मनन का बहुत ही व्यापक महत्व है. केवल श्रवण और चिंतन ही नहीं बल्कि उसके बाद जो भावना है, जो आपने अभी कहा था कि स्मृति और उसके बाद जो अवेयरनेस हो गया, और दूसरा जो है ये आपका करुणा, और तीसरा जो आपने इंगेज जो अप्लाइड बुद्धिज्म की बात कही, वो भावना पर ही है. बुद्धिज्म में
जब तक आप भावना पर नहीं उतरते हैं तब तक आपका श्रवण चिंतन मात्र अधूरा रह जाता है, वो आप पूर्ण नहीं हो पाते।